get chai. हे गाइस अस्सलाम वालेकुम. आज मैं शेयर करूंगी आपसे अपना पूरा दिन. आप लोग बहुत ज्यादा फरमाइश कर रहे थे कि अ डे इन माय लाइफ काइंड ऑफ अ वीडियो बनाऊं. तो आज है जुम्मा और मैंने कहा है कि आज मैं आपसे अपने जुम्मे का दिन शेयर करती हूं, किस तरह से लाइक मेरा सारा दिन गुजरता है. जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनको मैं बताऊं कि हम लोग कोरिया में एज अ फैमिली रहते हैं और मैं कोरिया में AI इंजीनियर हूं अभी, क्योंकि हम लोग घर से काम कर रहे हैं तो सारा दिन ऑफिस का काम जो है घर से ही होता है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सुबह हमारी इस तरह स्टार्ट होती है कि उर्वा को रेडी करते हैं, डे केयर जाती है तो उसको सुबह मैं डे केयर छोड़ के आई. फिर उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया, चाय पिया, चाय के हम बहुत शौकीन हैं. तो जाहिद फिर अपने ऑफिस चले गए हैं और मैं क्योंकि घर से काम कर रही हूँ तो मैं अपना ऑफिस का काम कर रही थी. अभी फरवरी का महीना है तो हम फरवरी में अपने टैक्स के डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं ताकि हमारा होम टैक्स जो रिटर्न होता है वो हमें मिल जाए. तो वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैंने प्रिपेयर किए हैं, अपनी कंपनी को भेजे हैं, कंपनी मुझे फिर टैक्स रिटर्न के पैसे देगी. हम लोगों को कोरिया में अपनी इंश्योरेंस मिलती है तो उस इंश्योरेंस में हर साल हमारा फ्री हेल्थ चेकअप होता है. तो हमने अपने चेकअप के लिए हॉस्पिटल कॉल की, उसके लिए हमारी अपॉइंटमेंट ट्यूसडे की हो गई है, वो हम जाएंगे. क्योंकि आज जुम्मे का दिन है तो फिर मैंने अपना हाफ डे करके, जुम्मे के दिन जैसे हम लोग नहाते हैं, धोते हैं, नमाज वगैरह पढ़ते हैं, तमाम करते हैं, तो फिर मैंने बालों में ऑयल वगैरह लगाया, शॉवर ले लिया, उसके बाद फिर नमाज पढ़ी. इतना सुकून महसूस होता है, नाखून वगैरह काटे. मतलब मेरे लिए जुम्मे का दिन जो है ना एक रिमाइंडर है कि अपने नाखून काटने हैं, साफ सुथरा होना है. उसके बाद फिर सूरह काफ वगैरह पढ़ी बैठ के. अब तो या अब जो है ना नेक्स्ट ये है कि अभी 4 बज रहे हैं. मैंने अभी अपनी कॉफी बनाई थी, यहाँ पे मिलती है दलगोना कॉफी, तो दलगोना कॉफी बनाई है मैंने. ये स्टीरर मैंने डाइसो से लिया था, उससे बहुत अच्छी झाग सी आ जाती है इसके टॉप पे. अच्छा, हमारी सोम जो है ना ये बहुत लाडली हुई हुई है, इसने अपना ड्राई फूड बिल्कुल भी नहीं खाना होता. इसकी ट्रीट्स भी खत्म हो रही है और इसकी ट्यूना फिश भी खत्म हो रही है, तो जाके आज वो भी लेकर आनी है. इसके अलावा उर्वा का क्योंकि अब एडमिशन होने वाला है UG1 नेक्स्ट मंथ से, उसके लिए हमें कुछ ना डिस्काउंट कार्ड मिलता है, वो जाके अभी अप्लाई करना है. देखते हैं कि वो कम्युनिटी सेंटर में आज बन जाता है या नहीं बनता. मैं रोज 4 बजे कॉफी पीती हूँ तो आदतन मजबूर है. मैंने अपना व्लॉग एडिट किया था तो उसको मैंने यहाँ प्रीमियर पे लगा लिया है. अच्छा गाइस, मुझे यस स्टाइल वालों की तरफ से ये बॉक्स आया है, मैं इसमें से क्विकली आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी मेकअप करके, फिर हम निकलते हैं. दिस प्रोडक्ट्स आर नॉट स्पॉन्सर्ड, दे आर जस्ट फॉर मी टू रिव्यू. तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि यस स्टाइल वालों ने मुझे भेजे हैं, इनको मैं थोड़ा सा आपको ओपन करके भी दिखा देती हूँ. डे मेलो वालों ने मुझे ये क्रीम भेजी है और कहा है कि मैं इनका रिव्यू कर दूं, कि अगर मुझे ये पसंद आती है तो मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूं. बहुत ही सॉफ्ट है इसका टेक्सचर और इसकी स्मेल बहुत अच्छी है. तो ये इनकी कंपनी का नाम है और लिंक मैं इनका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. ओके गाइस, नेक्स्ट प्रोडक्ट जो उन्होंने मुझे भेजा है वो है शिका क्लियरिंग बीबी क्रीम, एंड आई एम नॉट अ फैन ऑफ बीबी क्रीम, लेकिन फिर भी आई रियली वांटेड टू ट्राई क्योंकि इसमें यूवी प्रोटेक्शन भी है और इसमें हेल्दी एंड ग्लोइंग लुकिंग स्किन मिलेगी. और इसमें जो कलर है ना वो सैंड बीच है 27 नंबर, एंड आई विल ट्राई इट नाउ. मैंने मेकअप नहीं किया हुआ तो अभी लगा के देखते हैं कैसा लगता है. मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा बीबी क्रीम निकल आई है, मैं इसको थोड़ा सा इस ब्रश के साथ लगा लेती हूँ. ओके, मैंने सारे अपने फेस पे लगा ली है बीबी क्रीम और इसकी कवरेज बहुत अच्छी है, मुझे लगता है मुझे फाउंडेशन लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ उन्होंने भेजी है वो है ये मर्जी का जेल आईलाइनर. इसकी मैंने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे भी काफ़ी डिटेल्स वगैरह पोस्ट कर दी थी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने सारे लिंक्स वगैरह डाल दिए हैं, आप जाके इनकी वेबसाइट पर चेक कर लीजिएगा, दे आर वेरी नाइस प्रोडक्ट. इसके अलावा इन्होंने ये 2 ग्लिटर्स मुझे सेंड किए हैं इन पिंक एंड गोल्ड कलर. एक्चुअली आई चोज दिस कलर, उन्होंने मुझे ऑप्शन दी थी कि आप जो मर्जी सिलेक्ट कर लें. ये इस तरह छोटी सी क्यूट सी बॉटल में है और इसको अप्लाई करते हैं ऐसे जैसे लिप ग्लॉस की तरह और अपने आईलिड पे लगाते हैं. तो ये इस तरह से लग रहा है आईज पे. इसके अलावा ये स्टाइल वालों ने ये वाटर लाइट टिंट मुझे सेंड किया और ये 2 कलर मैंने सिलेक्ट किए थे अपने लिए, कोरल एंड पिंक. ये हैं एपियो ब्रांड के, इसमें से मैं सोच रही हूँ कि मैं पिंक लगा के भी देख लेती हूँ बिकॉज द मेकअप लुक दैट आई वांट टू डू नाउ. तो आप देखिए कैसी लग रही है, बहुत लाइट सी है, लिप्स पे फील भी नहीं हो रहा. इसके अलावा ये जो है ना ये द साइम ब्रांड का हाइलाइटर काइंड ऑफ अ पाउडर है, लेकिन ये टूट गया है, सो सैड, इट वॉज ब्यूटिफुल. इसको मैंने थोड़ा सा चीक्स पे अप्लाई किया तो ये मेरी चीक्स के साथ चिपक गया, शायद बीबी क्रीम पे डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना था तो उसको अब मुझे उतारना पड़ेगा. इट्स यूजलेस नाउ, आई डोंट रिकमेंड इट.
ओके गाइस, दिस इज माय फाइनल लुक। आप लाजमी जाके ये स्टाइल की वेबसाइट चेक कीजिएगा, सारे लिंक्स जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मेरा 10% डिस्काउंट कोड भी ये है। आप जाके जरूर शॉपिंग कीजिएगा इफ यू वांट टू। और ये मेरे ऑनेस्ट रिव्यूज हैं, आई एम नॉट गेटिंग पेड टू डू दिस रिव्यू। पाकिस्तान में इनकी डिलीवरी अभी बंद हुई हुई है, लेकिन और कंट्रीज में अगर आप रहते हैं तो आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। ओके, चलिए अब चलते हैं और फिर बाकी जाके काम वगैरह करते हैं। ओके गाइस, तो मैं निकलने के लिए तैयार हो रही थी, मैंने जैकेट पहन लिया क्योंकि बाहर बहुत ठंड है, बाहर फ्रीजिंग कोल्ड हो रहा है और बर्फबारी हुई थी इस वजह से, और साथ में मैंने कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स और अपने कार्ड्स प्रिपेयर कर लिए हैं, तो लेट्स गो एंड डोंट फॉरगेट टू टेक योर मास्क। वैसे मुझे लग रहा था कि ठंड ज़्यादा होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड है नहीं, बस नॉर्मल सा ही टेम्परेचर है। ये देखिए थोड़ी सी बर्फ़ रह गई है, बाकी सब पिघल गई है। ओके गाइस, तो हमारे घर से बहुत ही पास है कम्युनिटी सेंटर, और ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे मापो सेंटर, तो यहाँ जाना है और उर्वा के डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने हैं। उर्वा का जो नया स्कूल है ना, वो भी बिल्कुल आसपास ही है, तो बहुत कन्वीनियंट है यहाँ पे, लाइक वॉकिंग डिस्टेंस पे हर चीज़ अवेलेबल है। यहाँ से ओके, तो इनके पास जाके देखते हैं। ये लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो कॉपी करने हैं वो कर रहे हैं। दे आर वेरी हेल्पफुल ऑलवेज, वेरी काइंड। ओके गाइस, तो मैं कम्युनिटी सेंटर के बाहर हूँ। उन लोगों ने मुझे बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि जो हैंडबुक कार्ड होता है बच्चे का, वो किसी बैंक में जाके खुलवाना पड़ेगा हमें, तो आज तो नहीं हो सकता, अब ऑलरेडी 5 बज रहे हैं या 4 बजे बैंक बंद हो जाते हैं। ओके, तो पीछे अभी भी बर्फ़ पड़ी हुई है कुछ जगहों पर थोड़ी थोड़ी, तो अब मुझे जाना है 250। ओके गाइस, तो मैं हूँ बस में, और यहाँ से वॉक करके भी मैं जा सकती थी, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग जाना था, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, जल्दी से घर वापस जाना है, इस वजह से मैं बस में बैठ गई हूँ। मैं आ चुकी हूँ अब सिंचन पे, और मेरे पीछे ये शूपन है और कुछ लोकल शॉप्स हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है लोकल शॉप जहाँ से आप स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं। लोगों की चहल पहल है काफ़ी, यहाँ पे शॉपिंग मॉल्स हैं ना, तो उसकी वजह से काफ़ी रश होता है यहाँ पे, सेल्स लगी हुई होती हैं, विंटर की ऑफ सीज़न सेल्स हैं। ये मॉल है और ये लोकल शॉप है पीछे, स्ट्रीट पे इस तरह वेजिटेबल्स भी बेच रही है एक बंदी, तो दाएं बाएं जो है ना बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं। चलिए अब मैं आ गई हूँ 250, और 250 में एंटर होते हैं। 250 में अभी आपको फ्लावर्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि फरवरी का मंथ है ना, दिल वालों का महीना, तो हार्ट्स और बलून्स और फ्लावर्स बहुत नज़र आएंगे। उर्वा को आजकल सिंगिंग का बहुत शौक हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ इसके लिए ये ले लेते हैं एक माइक। ये मिनी कैमरा चेक करें, ये वाटर वाली गन है। उर्वा को इस तरह मैजिक करने का बहुत शौक है, तो मैं इसके लिए सोच रही हूँ मैजिक स्टिक ले लूँ। कि एक मैं ले रही हूँ ये लिस्ट्रीन फॉर गम केयर। ओके, ये मैं ले रही हूँ माउथ स्प्रे इन पीच फ्लेवर। के वॉशरूम के लिए एक स्टैंड लेना है, तो मैं ये ले रही हूँ। हमारे किचन का मैट ख़राब हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ उसके लिए ये तो ये ब्राउन ले लूँ, काफ़ी ठीक लग रहा है। अदरवाइज़ ये वाला भी है, तो इसमें से मुझे वैसे ये अच्छा लग रहा है, क्योंकि पानी गिरता है ना तो ये जल्दी अब्सॉर्ब हो जाता है, और इसके नीचे रबड़ लगा हुआ है, तो ये दोनों ही वैसे अच्छे हैं। ओके गाइस, तो मैंने ये डिसाइड कर लिया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, सारे किचन में आराम से आ जाएगा, सिंक के नीचे भी एडजस्ट हो जाएगा। अब बंदा जब 250 आता है ना, तो कहता है ये भी चीज़ ले ले, ये भी चीज़ ले ले, घर की भी 10 चीज़ें दिमाग में आ रही होती हैं। तो हमारे ना दरवाजे पे एंट्रेंस के टाइम पे एक मैट हमने रखा हुआ है, वो मैं सोच रही हूँ अब चेंज कर लें, बहुत गंदा हो रहा है। ये अच्छा लग रहा है, इसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, शायद थोड़ी सी कटिंग करनी पड़े, लेकिन ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैसे सेकेंड ऑप्शन में मुझे ये भी अच्छा लग रहा है, इस पर लिखा हुआ है हेलो, और ये मैरून सा कलर है। मैरून का मसला ये है कि अगर मिट्टी से बाहर आते हैं ना, तो फिर वो नज़र बहुत आती है, बहुत डार्क कलर है ना ये, इस वजह से फिर मुझे ये ब्राउन लेना पड़ रहा है। सोम को ये क्रीम वाली स्वीट्स बहुत पसंद है, ये है सालमन फ्लेवर और क्रैब फ्लेवर, चिकन फ्लेवर, तो सोम को ज़्यादा ये पसंद है, तो उसके लिए एक ये लेना। अब की बार इसको मैं सोच रही हूँ ये भी ट्राई करा के देख लेते हैं। इसके अलावा ये इसको इस तरह का फूड बहुत पसंद है, स्पेशली ये ट्यूना चिकन खाती है शौक से, इसके लिए मैं सोच रही हूँ दूसरे फ्लेवर्स भी ले लूँ, इसको ट्राई करा के देखते हैं। ओके, सम की फूड और ट्रिक्स भी हो गई हैं, अब चल के वो चीज़ें लेते हैं। ओके, मैं हैंगर के सेक्शन में हूँ, और ये मैं हैंगर ले रही हूँ एक्स्ट्रा, ताकि कुछ एक्स्ट्रा स्पेस बन सके अलमारी में। ओके, वॉशरूम की टाइल्स वगैरह साफ़ करने के लिए ये ब्रश लिया मैंने, और ये छोटे ब्रशेज़ ये बहुत काम आते हैं किचन को, सिंक वगैरह। ओके गाइस, तो मैंने ये एक बास्केट भी लिया है घर के लिए, इट लुक स्टर्डी एंड नाइस, 20 लीटर की है ये। लाइट को अपने ऑफिस के लिए एक कॉफ़ी का स्टीरर चाहिए, तो ये एक मैं ले रही हूँ, ज़बरदस्त झाग आ जाती है। हमारे घर का दस्तरखान भी मैला हो रहा है, तो मैं सोच
सोच रही हूँ कि ये एक ले लूँ, ये वाटर प्रूफ कवर है लेकिन एज अ दस्तरखान भी यूज़ हो सकता है, तो आई होप कि वो आप इस पर पानी गिराएगी तो भी कोई मसला नहीं होगा। एक मैं सोच रही हूँ ये ले लूँ स्पंज वगैरह रखने के लिए किचन में, अब आए हैं तो चीज़ें भी ले के जाएंगे। गाय के कपड़े ऑर्गेनाइज करने के लिए ये ले लूँ, ये बहुत अच्छा है कि एक हैंगर में मल्टीपल आप शर्ट्स लटका सकते हैं फिर। ओके एक ये डिश वॉशर लेना, बहुत देर से मैं फिर रही थी मिल ही नहीं रहा था, यहाँ पड़ा है इतने नीचे। ओके गाइस तो मेरी शॉपिंग हो गई है, मैं दो चीज़ें लेने आई थी और 20 चीज़ें लेके जा रही हूँ। गाइस अभी शाम हो गई है और बस अभी नॉर्मली अगर मैं आज शॉपिंग ना कर रही होती तो मैं खाना बना रही होती, लेकिन अब क्योंकि मैं बाहर आई हुई हूँ शॉपिंग कर रही हूँ तो बस घर जाके जल्दी जल्दी आटा गूंदना है, खाना बनाना है, शाम हो गई है बिल्कुल। ये मनाजिर है, ये है सिंचन का एरिया। मेरे पास इतना बड़ा सामान का थैला हो गया, मैंने ना करते करते भी इतनी सारी शॉपिंग हो गई है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें ज़रूरत होती है ना, बंदा घर से कोई कम ही निकल पाता है, तो जब निकलता है तो सोचता है ये भी ले लें, ये भी लेते जाएं, ये भी लेते जाएं, तो अच्छा खासा हैवी थैला हो गया। और आज इतना मौसम गर्म था कि मुझे पसीने आ रहे थे डाइसो में। ओके मैं बस में बैठ के घर जाऊँगी और बस का वेट कर रही हूँ। मैं जा रही थी घर तो मैंने कहा ये कोई घुमा भी ले लें, तो ये मैं ले रही हूँ। देखो जैसे घर के रास्ते में ये सब्ज़ी की दुकान बड़ी कन्वीनियंट हो जाती है। ओके गाइस तो मैं घर वापस आ गई और अभी जो है ना 8 बज रहे हैं, उर्वा और डैडी साथ बुक्स पढ़ रहे हैं, उर्वा को मैंने माइक दे दिया और कैटो ने जो है ना खाना भी खा लिया है, तो अब जो है ना डिनर की तैयारी हो रही है, लग गई बहुत ज़्यादा। ओके तो ये बन रही है चाय, उर्वा जो है ना डैडी के साथ ये बुक्स पढ़ रही है और माइक भी जो है ना इसके हाथों में है। रोबोट डॉग विल बी आवर ड्राइवर। तो मैडम अपनी ट्रीट खा के जो है ना गायब हो गई हैं, कोई थैंक यू नहीं है। तो जी ये हमारा डिनर है, हमने अंडा और ब्रेड खा लिया क्योंकि आटा भी नहीं गूंदा और सालन भी ख़त्म है, वीकेंड पे ही बनाएंगे। ओके हम लोगों ने खाना खा लिया, उर्वा ने भी खाना खा लिया, ये अपने आप कार्टून देख रही है और पीछे आपको एक साउंड आ रही होगी, जायद गिटार बजा रहे हैं और गाना गा रहे हैं। हमारी सोम को जो है ना एक खिलौना दे दिया और ये उसमें लगी हुई है, अब मसरूफ हो गई है, ये खाना भी इसने खा लिया है। और मैं जो हूँ यहाँ पे ये सारी चीज़ें अनपैकिंग कर रही हूँ। ये दस्तरखान का मटेरियल जो है ना वाटर प्रूफ है तो ये अच्छा है काफ़ी, और हम लोगों को ऐसा ही चाहिए क्योंकि हम तो नीचे बैठ के खाना खाते हैं। ये उर्वा सोई हुई है, अपने कार्टून देखती है। जाहिद वीडियो में आना नहीं चाहते तो अपना गाना ऐसे ही दिखा रहे हैं। धोखा धड़ी कर देगा, सोचा न था ऐसी मुश्किल खड़ी कर देगा, सोचा न था। वीडियो नहीं आएगी सिर्फ आवाज आएगी। इसको अपना खिलौना नहीं मिल रहा, धागों से खेलती है ये। ए चलो जी अब हम जो है ना बुक्स पढ़ रहे हैं। शायद कुछ इनके लग रही है। उर्वा पुंद उर्वा जो है ना गोद में लेट के इसको मजा आता है, गोदी में लेट के उर्वा नजर आ रही है। उर्वा ने कौन सी है मैं जब बोलती हूँ शायद की छींक आती है। स्पार्कली थी शायद की छींक ही नहीं रुक रही। आई एम रनिंग अ बाइसिकल। Hello friends, how are you? Here is my mama. Here is the baby fish. I can go very fast. Oh no, Ivy fell down and she broke her crown. Let's call the ambulance. X-ray is the image of bones. You have bones? Bones. सिर्फ thumb में bone है। ये देखो hand में है। और किताबें पढ़ाओ कितनी किताबें पढ़ेगी। तो उर्वा की अब सोने का टाइम हो गया और ये जाएगी डैडी के साथ सोने, और अभी 9:30 बज रहे हैं और 10 बजे मेरा व्लॉग आएगा प्रीमियर। उर्वा का दूध बना के जा रही हूँ, उर्वा दूध पिएगी, अब आवाज़ें दे रही है अम्मा दूध दूध।
ओके गाइस, तो अब रात के 11 बज रहे हैं। मैं उर्वा को दूध देने गई थी तो वो कह रही थी कि मम्मा के साथ ही सोना है, तो मम्मा के साथ स्टोरियाँ भी सुनी हैं और सारी बुक्स भी पढ़ ली हैं, लोरियाँ भी सुन ली हैं। और अब मुझे जो है ना अपने नए व्लॉग को एडिट करना है, और एक व्लॉग मैंने अभी पोस्ट किया है वो लाइव है, लेकिन जब आप ये व्लॉग देखेंगे तब तक तो वो पुराना हो चुका होगा। 11 बजे के बाद 2-3 घंटे जो है ना मैंने वीडियोज एडिट करनी है, डायरी लिखनी है, मैं रोज़ डायरी भी लिखती हूँ, तो मैं किसी और व्लॉग में शेयर करूँगी कि मैं क्या लिखती हूँ, कैसे लिखती हूँ वगैरह वगैरह। और अगर मैं व्लॉग का काम नहीं करूँगी तो फिर जाहिर के साथ मूवी देखूँगी। तो जी यस, बाकी कल क्योंकि वीकेंड है इस वजह से बाकी के काम जो है ना आप कल पे छोड़ दिए हैं, क्योंकि और कोई काम नहीं है वीकेंड पे, तो सारे काम वगैरह हो जाएंगे, सफाइयाँ भी हो जाएंगी। अगर वीकडे होता तो फिर सुबह के लिए फिर तैयारी करना शुरू करनी पड़ती। सारा दिन आज मैंने व्लॉग किया है, तो इस तरह से होता है हमारा दिन यहाँ पे। और जाहिद जो है ना इस वक्त अभी अपनी UFC देख रहे हैं। सोम का कोई दिन ही मान नहीं है, कहीं पे भी सो जाती है, अभी घोड़े गधे बेच के सो रही है मछली खा के। बैठ के मूँगफलियाँ वगैरह खाएंगे, दूध गर्म करके पियेंगे रात को, लाइक इस तरह काम करते हैं, काम भी करते रहते हैं और मूँगफलियाँ वगैरह भी खाते रहते हैं। और कभी हम दूध वगैरह पीते हैं, कभी कॉफ़ी पीते हैं, और कभी आइसक्रीम भी खा लेते हैं 12-1 बजे। आई एम सो टायर्ड, और व्लॉग नहीं कर सकती। प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।